हाँ जी, गुड मॉर्निंग 10th क्लास। एज यू नो, आपां मंथली टेस्ट तो पहला राजे 8th चैप्टर कंप्लीट कीता सी। तां तुहानू मैं 8th चैप्टर दे स्टार्टिंग च कहा सी कि 8th 9th चैप्टर सेम वे दे नाल होनी है, सेम च टिग्नोमैट्री यूज होनी आ। उत्थे तुसीं टिग्नोमैट्री देखी सी की हुंदा, उहदे विच की अपने को रेशियोस आईआं सी। इत्थे हुण उहनां रेशियोस नूं अपलाई करना, सम एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमैट्री। एप्लीकेशन हुंदा जिहड़ी आपां सिखी आ चीज़, उत्थे साइन कॉस टैन वगैरह उह इत्थे लिया के हुण आपां अपलाई करने आ। ठीक है, तो इतने आपां डेली लाइफ दियां कुछ एग्जाम्पल्स होणगियां। ठीक है, सिचुएशन दित्तियां होणगियां, उन्हां तो आपां राइट एंगल ट्रायंगल बनावांगे। दैन आपां पंडित बद्री वाला जिहड़ा फार्मूला लगा के जिहड़ी मिसिंग साइड होगी वह फाइंड आउट करांगे, क्योंकि आपां टिग्नोमैट्री यही पढ़ी सी ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल दियां साइड मैजर करती है। ओके, तो इतने थोनों दो तरह के एंगल मिलणगे राजे। फर्स्ट एंगल ऑफ एलीवेशन। ठीक है, एलीवेशन की हुंदा, जिहड़ा एंगल थोड़ा उपरों बन रहे। ओके, एंगल ऑफ एलीवेशन कहते हैं। ठीक है, जिहड़ा सॉरी उपरों नहीं, नीचे बनूंगा, नीचे बनूंगा एंगल ऑफ एलीवेशन इत्थे। ठीक है, जिन्हों तुसी उचाण कोण भी कह दें। तो एक हुंदा एंगल ऑफ डिस्प्रेशन। ठीक है, जिहड़ा उपरों देख के बनता गा, उपर कोई उत्ते खड़ा उपरों देख रहा वो उपर एंगल बना रहा, ये एंगल उपर बनता हुंदा, इहनूं एंगल ऑफ डिस्प्रेशन कहिंदे आ, जिहनूं निमाण कोण भी कह देंदे आ। ठीक है, तो यह दो तरह के एंगल आपां इत्थे देखांगे। तो फर्स्ट देखो, अज आपां थ्री सम करांगे इहदे। तो फर्स्ट सम आ कहिंदा एक सर्कस आर्टिस्ट आ, तुसीं देखिया होगा रस्सी बनते हुंदे आर्टिस्ट। ठीक आ, उन्होंने एक रस्सी बनी हुई है जिहड़ी 20 मीटर लौंग आ। ठीक है, एंगल किने दा बनाउंदी आ, जिहड़ा उत्थे उहने ग्राउंड दे विच एक पोल गड्डिया होया उहदे नाल 30 डिग्री दा। हमेशा थोनू ये गिवन होगा कि एंगल केड़ा है, एलीवेशन एंगल आ। ठीक है, अगर डिस्प्रेशन आ स्पैशल लिखूगा वर्ड, नहीं तुसीं ऑलवेज एलीवेशन एंगल लैणे आ जिहड़े नीचे बनदे। ठीक है, 30 डिग्री दा आपां ये फाइंड आउट करना कि हाइट ऑफ पोल, आ जिहड़ा पोल आ ग्राउंड ते खड़ा उहदी हाइट किन्नी है, दिस वन। ठीक है, तो थोनू याद होगा मैं थोनू कहा सी भी जिहड़ा 90 दे सामने वाली साइड हुंदी आ उह हाइपोटीन्यूज हुंदी आ, एंगल दे सामने वाली परपेंडिकुलर, दिस मीन तुसीं परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना। ठीक है, हुण देखो थोनू हाइपोटीन्यूज पता, एंगल पता, हमेशा थोनू एक साइड ते एक एंगल पता होगा। पंडित बद्री वाला कंसैप्ट जिहड़ा आपां 8th चैप्टर च कीता सी उह लगाऊंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। हुण इत्थे तुसीं इह देखणा किहड़ी साइड थोनू पता, थोनू एच पता ना, देखो एच दून आ दोनों च यूज हुंदी आ, एक साइन च एक कॉज च। हुण इन्हां दोनों चों किहड़ा रेशो तुसीं, किहड़ी रेशो लैणी आ, उह किहने दसणा जिहड़ी साइड तुसीं फाइंड आउट करनी हो। जिवें हुण इत्थे देखो तुसीं पी कढ़नी आ, तां पी किहदे च यूज हुंदी आ, साइन च। तां इत्थे किहनूं यूज करोंगे, साइन। ऑलवेज तुसीं इस तरह ही जजमेंट लाउणी आ। मोस्टली सम च टैन नाल ही सारे सम निकलने आ, दो तिना नूं छड्ड के, बट तुसीं रट्टा नहीं मारना भी ये टैन नहीं ही कढ़ने आ। तुसीं इस तरह ही जजमेंट लाउणी आ, पहला देखो गिवन साइड, फिर देखो जिहड़ी साइड फाइंड करनी आ, उह दोनों चीज़ां किहड़े रेशो च यूज हुंदियां। ठीक है, तो फर्स्ट इत्थे तुसीं गिवन जिहड़ा भी कुछ दिता उहनूं पहला वर्डिंग च लिखोगे, लैट हाइट ऑफ पोल, आ पोल तुसीं लैट कर लो, ए बी एच मीटर उहदी हाइट लै ली, लेंथ ऑफ रोप जिहड़ी दित्ती हुई है ए सी वो 20। ठीक है, इस तरह ही तुसीं वर्डिंग नाल दी नाल जिहड़ी डायग्राम होगी उहदे नेम लिखने आ, एंगल लिखना, उदू बाद जिहड़ा दित्ता होगा दैन इन ट्रैंगल पाउणा, जिथे 90 बनता बी ते 90 बनता वह पा देना। ठीक है, दैन जिहड़ी रेशो आई वह एंगल पा देना, थीटा नहीं पाउणा इत्थे, एंगल किहड़ा एंगल आपां नूं गिवन आ, इह ए सी बी जिहड़ा अखर बचाले हुंदा उत्ते एंगल बनता हुंदा। पी ओवर एच फार्मूला, फिर पी की वैल्यू कि डायग्राम च ए बी आप इस चैप्टर कीतियां हुई चीज़ा, तो यदि कि ए सी एंगल की वैल्यू भरी, एच ए बी दी सी, ए 20 सी, साइन 30 हुंदा 1/2, ए बी आपां कीता होया टेबल, थोनू मैं उत्थे भी कहा सी 9th चैप्टर च यूज होना, चंगी तरह वो टेबल याद कर लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एच किन्नी आ गई 10, एन ते लिख देना हाइट ऑफ पोल इज इकल टू 10 मीटर। ठीक है, नैक्सट जिहड़ा सम आ देखो, कहिंदा एक ट्री ब्रेक हो गया। ठीक है, तूफान दे नाल उहदा एक पार्ट आके ग्राउंड दे नाल टच हो गया, टुट के डिग गया। ठीक है, तां आपां टोटल हाइट पता करनी है ट्री दी, जिहड़ा पार्ट ग्राउंड दे नाल टच होया उह तों जिहड़ा उहदा ट्री दा फूट सी, पैर सी, ठीक है, उहदे तक उहनां दी उहनां ने दित्ती हुई है दूरी किन्नी सी 8 मीटर, ते एंगल किन्ने दा बनदा 30 डिग्री। ओके, तां
सब तो पहला नोट हाइट ट्री दी ए बी ते ए सी। ठीक है, मान लो आ ट्री आ, आ जिहड़ा थले टुट के डिग गया। ठीक है, तो आप टोटल हाइट मतलब आ भी कढ़नी है तो आ भी कढ़नी है। आपां 8 मीटर दिता, एंगल 30 आ। डिस्टेंस बिटवीन फूड ते ट्री दे विच किन्ना बी सी 8 मीटर, एंगल जिहड़ा दिता वह लिख लेना। इंट्रैंगल पाउनी है 90 डिग्री जिथे बनता वह लिखना। तो हम इतने देखो फस्ट आपां नूं गिवन आ बेस, बेस किदे किदे विच यूज़ हुंदा इन्हां दोनों च। एक तो आप पी कढ़नी है, हुण पी किदे च यूज़ हुंदी है टैन च, तो टैन का ला देंगे। टैन 30 हुंदा 1/√3, पी ओवर बी, पी की वैल्यू भरती, बी की भरती, बी किन्नी सी 8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इतों ए बी की वैल्यू निकलेगी 1/√3 डिवाइड च। 1/√ तुसी ओवर च कदे नहीं छड़ना हुंदा, इनू की कर दोगे रैशनलाइज 1/√3 इंटू ओवर 1/√3 आ गया थोड़े को ए बी। नाओ हुण तुसी आ भी कढ़नी है, एच भी कढ़नी है। हुण एच ते बी, बी किदे च यूज हुंदा कॉस, तो कॉस का पंडित बद्री वाला ला दोगे की हुंदा बी ओवर एच, बी बी सी आ, एच ए सी आ, इहदी वैल्यू 8 आ, इहदी नहीं पता। कॉस 30 1/√3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ए सी आ गया अपने को, रैशनलाइज करके दिस वन। तो टोटल लेंथ ए बी प्लस ए सी प्लस कर दो, एलसीएम आ गया 3, आ प्लस होके 24, 3 ते कट्टे गए तो आ गया 8 1/√3 की वैल्यू होंगी 1.73। पुट करके मल्टीप्लाई करके आ गया तो टोटल हाइट किन्नी आ गई थोड़े को 13.84 मीटर। ठीक है, नैक्सट देखो थर्ड सम कहिंदा एक कॉन्ट्रैक्टर आ जिन्हें दो तरह दियां स्लाइड बनाउणियां बच्चों लई, एक 5 ईयर तो जिहड़े थले आ उन्हां लई, एक जिहड़े उह तो उपर आ उन्हां लई। कहिंदा हाइट जिहड़ी 5 ईयर तो लैस आ जिन्हां दी हाइट उन्हां लई उह 1.5 रखदा गा, ते जिन्हां दी हाइट वड्डी आ उन्हां लई उहने 3 मीटर उच्ची हाई स्लाइड रखी आ। जिहड़ा 5 तो छोटियां दी स्लाइड आ उह 30 दा एंगल बनाउंदी आ, जिहड़ी वड्डियां दी आ उह 60 दा बनाउंदी आ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਲਾਈਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਹ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਲੈਂਥ ਰੱਖੀ ਆ 1.5, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਰੱਖੀ ਆ 3, ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ 1.5, ਆਹ ਵੀ 1.5 ਹੋ ਜੂ, ਟੋਟਲ 3 ਆ, 3 ਉੱਚੀ ਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਗਲ ਉਹ 30 ਡਿਗਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਐਂਗਲ ਉਹ 60 ਡਿਗਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵੀ 5 ਈਅਰ ਲਈ ਇੰਨੀ ਆ ਸਲਾਈਡ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਸਲਾਈਡ ਦੀ, ਇਹਦੀ 5 ਈਅਰ ਦੀ ਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ 30, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਈਅਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ 3 ਆ, ਸੋਰੀ ਹਾਈਟ 3 ਆ, ਅਤੇ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਡੀ ਸੀ। ਆਹ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ 60 ਦਾ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿੱਥੇ 90 ਬਣਦਾ ਬੀ 'ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਗਿਵਨ ਆ ਦੋਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਟ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਜ਼ ਕੱਢਣਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਚ ਕੱਢਣੀ। ਤਾਂ ਐਚ ਅਤੇ ਪੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਈਨ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਲਿਖਣਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਸਾਈਨ 30, ਪੀ ਕਿੰਨਾ ਏ ਬੀ 1.5, ਏ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5 ਈਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸੀ 3 ਮੀਟਰ। ਸੇਮ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਵਾਲੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਥੇ 90, ਅਤੇ ਆਹ ਕਿੰਨਾ 3, ਅਤੇ ਆਹ ਆਪਾਂ ਐਚ ਫਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਡੀ ਸੀ ਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ 3, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ 3। ਨਾਓ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ, ਕ੍ਰੋਸ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, 1/√3 ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕੱਟ ਕੇ 1/√3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ, ਆ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਲਾਈਡ ਫਾਰ ਬਿਲੋ 5 ਈਅਰ ਕਿੰਨੀ ਆ 3, ਅਤੇ ਅਬਵ 5 ਈਅਰ ਕਿੰਨੀ ਆ 3.46 ਮੀਟਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਆਨਸਰ। ਤਾਂ ਇਹ 2-3 ਸਮ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।